खबरनामे को पेश करदा अलमन्ना ज्वेल्स शाली बंडा हैदराबाद। ओके, आज ये राजनगर में प्रेस मीट कर रहे, आज जो तारीख में 12 तारीख 3 बजे के टाइम पे अपना राजनगर एग्जिट 17 कने एक लॉरी को इंटरसेप्ट करे, टोटो लॉरी को, उसमें जो खाली डब्बे ट्रांसपोर्ट कर रहे बोल के ये चोर लोग उसमें गांजा लेके जा रहे महाराष्ट्र के तरफ नासिक को। इस बीच में हमारा एग्जिट 17 के तकरीबन वो ओर आर चढ़ने से पहले राजेंद्र पुलिस इंटरसेप्ट करके उसको डिटेक्ट करे, उसमें 236 किलो गांजा बरामद किए गए। ये लोग जो विकास बोल के ड्राइवर है और सागर बोल के क्लीनर है, ये दो जने लारी में हैं और इसको पायलटिंग करने के लिए ये लोग महिंद्रा जेलो व्हीकल यूज़ कर रहे। उसमें जो है जयराम और योगेश पायलटिंग करता, ये पायलट पहले आता, अगर कहीं चेक पोस्ट है, कहीं पुलिस वाले है, कहीं पेट्रोलिंग चल रहा, कहीं कोई गाड़ी रुकने का चांस है, वैसा देख लेते हुए ये लोग उड़ीसा बॉर्डर से यहाँ तक आए। कल इंटरसेप्ट करके हमारा लोग अच्छा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो लोगों को पकड़ लिए। अब चार जने कस्टडी में है, उसमें दो जने अक्षय मध्य प्रदेश के आदमी है और अक्षय अब तक नहीं मालूम, उसके लिए टीम्स भेजे गए हैं। और चंदू बोल के और एक जने जो प्रोक्यूरमेंट के मेन आदमी है, वो वाइजाग से गाड़ी ले लेके लारी को वहाँ पीछे अपना वहाँ ओडिशा तक जाके वो बड़ा लोड करके फिर वापस में ये ड्रमों में लगा के पुलिस को नहीं मिलना बोल के ये लोग डिफरेंट तरीक़ों में कर रहे। इस बीच में एक पक्का समाचार के हिसाब से हम लोग एक गाड़ी को इंटरसेप्ट करके पकड़े, इसमें टाटा लॉरी एक सीज हुए, उसमें जो 236 किलो का जो गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहे और जो पायलटिंग करे सो व्हीकल महिंद्रा जेलो सीज करे और 5 टेलीफोन भी सीज करे। ये दो जने अभी मेन जो प्रोक्यूरमेंट जो करे और जो सप्लायर है वो मध्य प्रदेश के आदमी अक्षय नहीं मिला है, बाकी लोग महाराष्ट्र के लोग है, चार लोग अभी वो लोग हम अपना हिरासत में है, आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके फिर वो लोगों को कस्टडी लेने के बाद पूछताछ के बाद और क्या आ जाता है। ये लोगों के ऊपर और कुछ केसेस है, कहीं इसके पहले अरेस्ट हुए बोल के भी वेरीफाई कर रहे, ये लोग बयान के हिसाब से अब तक कुछ नहीं करे, ये पहली बार कर रहे बोल के ऐसा बोल रहे, लेकिन उसके पीछे कौन है, वो अक्षय किसको सप्लाई करता, वह नासिक में कौन है, लेने वाले कौन है, वो पूरा नेटवर्क ब्रेक करने का है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको जो भी आता है इसका फैसला फिर बाद में आपको इतला दे देगा।